Hello friends, very warm welcome to LK Academy. I hope every one of you is safe and doing well at your home. So again I am welcoming you to the current affairs lectures, and as stated earlier I hope that you have gone through all the previous lectures of current affairs. Why we are again repeating this in every lecture? Because there are multiple topics, those are interconnected, okay, or interdependent. So you need to understand those topics in sync. So that's why we are repeating this. So I hope that you have gone through all the previous lectures. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है that is Global Innovation Index 2021. From exam point of view this is very much important topic, क्योंकि कोई भी examination में आपको जो recently published index होंगे वो पूछे जाते हैं. अगर आप गुजरात रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, सो गुजरात रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गुजरात का स्कोर क्या है या गुजरात का रैंक क्या है, वो सारी डिटेल आपको याद रखनी है. अदरवाइज़ अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का रिपोर्ट है या इंडेक्स है, तो इंडिया का प्रीवियस 2-3 ईयर्स का रैंक, कब से वो इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, हु पब्लिशेज दैट इंडेक्स, और इंडिया का उसमें परफॉर्मेंस क्या है, कैटेगरी क्या है, अगर रैंकिंग है तो रैंकिंग कौन सी रैंकिंग है, स्कोर है तो क्या स्कोर है, वो सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है और वो याद रखनी है. आपकी नोट में, स्पेसिफिक नोट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका टॉपिक अधूरा रहेगा. चलिए, सो रिसेंटली इंडिया हैज़ क्लाइम्ड 2 spots and has been ranked 46th in the Global Innovation Index 2021 rankings. So देखिए, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो इंडेक्स है वो आपको इनोवेशन के बेस पर किसी कंट्री को एनालाइज करता होगा. नाउ व्हाट इज़ इनोवेशन? सो किसी कंट्री में एट एजुकेशन लेवल इनोवेशन में कितना स्कोप दिया जाता है, स्टार्टअप लेवल पे मार्केट पे कितना स्कोप है, नई टेक्नोलॉजी कितनी ढूंढी जाती है, नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कितना किया जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनोवेशन इंडेक्स में एनालाइज की जाएगी. देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, सो टोटल देर आर 81 related parameters based on which the Global Innovation Index ranking has been given. So इंडिया ने पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और हम 2 रैंक आगे आए हैं. ओके सर, देखिए कौन से पैरामीटर्स, जो मेन पैरामीटर्स है 2000 इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च. तो बेसिकली आपकी गवर्नमेंट या कोई कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को कितना एंथुजियास्ट करता है या कितना बढ़ावा देता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाएगी. उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट, व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी. मार्केट सोफिस्टिकेशन देखा जाएगा, बिजनेस सोफिस्टिकेशन देखा जाएगा, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स देखे जाएंगे, क्रिएटिव आउटपुट्स देखे जाएंगे. सो बेसिकली द इनोवेशन इज एन इंटेंजिबल एसेट. नाउ व्हाट इज टेंजिबल एसेट एंड व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? सो इंटेंजिबल एसेट वो चीज़ें हैं या ऐसी एसेट्स हैं जिनको आप फिजिकली फील नहीं कर सकते, दोज आर नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि योर IQ और योर मेमोरी, दोज आर इंटेंजिबल एसेट. नाउ व्हाट इज टेंजिबल एसेट? जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, फिजिकली फील कर सकते हो, दोज आर टेंजिबल असेट्स. ओके, नाउ हु लॉन्चेस दिस? सो द GII इज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WIPO, अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. द GII एम्स टू कैप्चर द मल्टी डायमेंशनल फैसेट्स ऑफ इनोवेशन, रैंकिंग एंड रिच एनालिसिस रेफरेंसिंग अराउंड 132 इकोनॉमीज़. तो देखिए इकोनॉमीज़ जो है, आई मीन दो कंट्रीज दोज आर एनालाइज्ड आर डिफरेंट इन एवरी ईयर. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार 132 इकोनॉमीज़ को ही एनालाइज किया जाएगा. 2021 के रैंकिंग में 132 इकोनॉमीज़ को एनालाइज किया गया है. पार्टनरशिप किसकी थी इसमें? सो इट इज़ पब्लिश्ड इन पार्टनरशिप विद दी पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट एंड अदर कॉरपोरेट पार्टनर्स, which are Brazilian National Confederation of Industry, Confederation of Indian Industry, Ecopetrol and the Turkish Exports Assembly. Okay, so आपको पार्टनरशिप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, but you need to remember the actual main publishing agency, that is World Intellectual Property Organization. Indicators क्या है? So the index ranks world economies according to their innovation capabilities and consists of roughly 80 indicators, specifically 81 indicators grouped into innovation inputs and outputs. क्या क्या इनपुट्स थे? तो इंस्टीट्यूशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च जो आगे हमने ग्राफ में देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कंट्री में कैसा माहौल है, मार्केट सोफिस्टिकेशन कितना है, बिजनेस सोफिस्टिकेशन कितना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इनोवेशन आउटपुट्स क्या है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएटिव आउटपुट। तो देखिए बेसिकली इंडिया ने डिजिटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, आजकल हम आफ्टर डीमोनेटाइजेशन वी हैव completely fastly we have switched to digital payment system. There are multiple payment application available और काफ़ी सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, those category also are now included in the digital payment infrastructure. और इंडिया जैसे कंट्री के लिए this is a bigger achievement. जो चीज़ many other developed countries have not done yet, India has achieved that milestone. ग्लोबल परफॉर्मेंस क्या है? सो विच आर द टॉप 5 कंट्रीज़, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, US, UK. तो ये आपके टॉप 5 हो गए. कंटिन्यूड टू लीड द इनोवेशन रैंकिंग एंड हैव ऑल रैंक्ड इन द टॉप 5 इन द पास्ट 3 years. पहली बार साउथ कोरिया ने टॉप 5 में स्थान पाया है. सो द रिपब्लिक ऑफ कोरिया जॉइन्स द टॉप 5 ऑफ द GII, दैट इज़ ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग, for the first time in 2021. एशियन कंट्रीज़ के क्या रैंकिंग्स हैं? सो 4 एशियन इकोनॉमीज़ फीचर्स इन द टॉप 15, दैट इज़ सिंगापुर, चाइना, जापान एंड हांगकॉन्ग. सिंगापुर का जो नंबर है दैट इज़ 8, चाइना का रैंकिंग है 12, जापान का रैंकिंग है 13 एंड हांगकॉन्ग का रैंकिंग है 14. तो एशिया के परस्पेक्टिव में अगर बात की जाए सो दीज आर दी टॉप कंट्रीज़. इंडिया का परफॉर्मेंस क्यों बढ़ा है, व्हाट आर द रीजंस, क्या बदला है हमारे यहाँ, जो कि 2015 से लेकर 2021 तक वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट जंप. सो इंडिया हैज़ बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इन द GII. India has shot up from a rank in 81 in 2015 to 46 in 2021. India performs better in innovation outputs than innovation inputs in 2021. This year India ranks 57th in the innovation inputs, the same as last year but higher than 2019. As for innovation outputs, India ranks 45th. This position is the same as last year but higher than 2019. So अलग अलग कैटेगरी में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. इंडिया रैंक्स सेकेंड अमॉन्ग द 34 लोअर मिडल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज. तो इंडिया को लोअर मिडल इनकम ग्रुप कैटेगरीज में रखा गया था, जहाँ पे हमारा नंबर है सेकेंड. इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग द 10 इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया. द गवर्नमेंट एट्रीब्यूटेड द कंट्रीज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस टू द डिपार्टमेंट्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस. ओके, वी हैड चंद्रयान, चंद्रयान 3, नाउ वी आर सेंडिंग गगनयान. तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्पेस के सेक्टर में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है. बायोटेक्नोलॉजी इज़ इंक्लूडेड, वाई? बिकॉज इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर लास्ट 1 year दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड, जो कि काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज़ नहीं कर पाए हैं. तो दीज आर मल्टीपल रीजन्स कि हमारा जो रैंक है वो आगे आया है. अदर फाइंडिंग्स फ्रॉम द GII 2021 क्या है? सो इन्वेस्टमेंट्स इन इनोवेशन रीच्ड एन ऑल टाइम हाई before the pandemic, with research and development growing at an exceptional rate of 8.5 in 2019. Government budget allocations for the top research and development spending economies showed continued growth in 2020. The publication of scientific article worldwide grew by 7.6% in 2020. India, Kenya and the Republic of Moldova and Vietnam hold the record for overperforming on the innovation related to their level of development for the 11th year in a row. तो इंडिया पिछले 11 सालों से ओवर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ हर साल वो कुछ स्टेप्स आगे बढ़ रहा है इन द ओवरऑल रैंकिंग. सो इट इज़ गुड थिंग फ्रॉम इंडिया. और हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अलग से एक जगह दी गई है. द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आर ऑन द लाइन्स ऑफ द GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. द इंडेक्स गोज़ बियॉन्ड ट्रेडिशनल अप्रोचेज बाय कंसिडरिंग द बेस्ट parameters in measuring innovation, such as patents per million of population, publication in scientific journals, percentage of GDP spending on research. It also adds parameters that are specific to the Indian economy, meaning demographic dividend, to give it a more holistic coverage. तो देखिए, अगर मुझे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने स्टेट्स को R&D में फंडिंग देना पड़ेगा, अपने स्टेट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा. एंड दैट इज़ व्हाट नीति आयोग इज़ डूइंग. एंड नीति आयोग ने ऑन द लाइन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो इंडेक्स स्टार्ट किया है विथ ऑलमोस्ट दी सिमिलर पैरामीटर्स, दैट इज़ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स. ओके, सो रिसेंट जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश हुआ था इन 2021, अकॉर्डिंग टू दैट कर्नाटका इज़ ऑन टॉप पोजिशन इन बिगर स्टेट्स, and Himachal Pradesh is on top state in northeastern and hilly region, and Delhi is on top in UT and small state categories. Gujarat is in bigger state categories in which it has received an 8th rank. Okay, तो ये आपको note करना है. If you want, you can search for India Innovation Index and you can write it down. As we have a next examination, GPSC examination in December, so before that there will be no updated news. Next जो हमारा topic है, that is an interesting topic and one bigger achievement from India regarding a Delhi-Mumbai expressway, which will be world's longest expressway. So recently, the Union Minister for Road Transport and Highway, Nitin Gadkari, concluded the 2-day review of the work progress on the 8-lane Delhi-Mumbai expressway. नाउ सी, हमेशा से ये रहा है कि जो नेशनल हाईवे 8 है विच कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई, इट इज़ द बिजिएस्ट हाईवे और वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हाईवे है, और वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से होकर दिल्ली पहुंचता है. सो अलोंग द वे द डेवलपमेंट इज़ मोर कंपेरिजन टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया. उसी सेम रूट पे अगेन टू जॉइन दी नेशनल कैपिटल एंड द फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, उनको ज्वाइन करने के लिए ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा. इट विल बी दी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे वंस कंप्लीटेड एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2023. ओके, तो देखिए वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट होगा हरियाणा के सोहना से. यहाँ हरियाणा के सोहना से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा और मुंबई के मीरा भाईंदर एरिया में जाकर वो ख़त्म होगा. टोटल अप्रोक्सीमेट उसका लेंथ होगा 1380 किलोमीटर्स. कौन से स्टेट से जाकर वो गुजरेगा, सो सबसे ज़्यादा उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी थ्रू राजस्थान, देन सेकेंड हाइएस्ट थ्रू मध्य प्रदेश, देन गुजरात, महाराष्ट्र एंड हरियाणा. गुजरात से उसकी 300 किलोमीटर की लेंथ पास होगी. क्या क्या यूनिकनेस होगी, तो जो अभी 24 घंटे का टाइम लग रहा है वो घटकर 50% घट जाएगा और वो रह जाएगा अप्रॉक्सीमेट 12 आवर्स ऑफ ट्रैवल टाइम. ओके, सो एंड 150 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग विल बी रिड्यूस्ड. सो ये इसकी यूनिक चीज़ें हैं. ऑल स्ट्रेचेस विदाउट एक्सपेक्ट दाहोद टू गोधरा, सूरत टू वलसाड एंड स्पर टू JNPT. तो ऑल स्ट्रेचेस का ऑलरेडी बीड हो चुका है और देयर कंस्ट्रक्शन इज़ ऑलरेडी इन प्रोग्रेस. तो आने वाले 1.5 सालों में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. इट इज़ अ 1380 किलोमीटर 8-lane expressway that can be expanded to a 12-lane expressway depending on the volume of traffic. तो गवर्नमेंट ने फ्यूचर का भी प्रिपरेशन करके रखा है, फ्यूचर प्लानिंग भी करके रखा है कि उसको अगर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ता है तो 12-lane एक्सप्रेसवे तक उसको बढ़ा दिया जाएगा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हरियाणाज सोहना एंड विल एंड अराउंड मीरा भाईंदर नियर मुंबई. स्पेशल फीचर्स क्या क्या होंगे, सो इट विल हैव अ वे साइड एमिनिटीज़, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, फ्यूल स्टेशंस, फैसिलिटीज़ फॉर ट्रकर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स एट्सेट्रा, ताकि जो लोकल लेवल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको भी अलॉन्ग साइड बूस्ट मिलेगा. हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड हेलीपोर्ट विच विल यूज़ ड्रोन सर्विसेज फॉर बिजनेसेस एज वेल. द एक्सप्रेसवे इज़ फर्स्ट इन एशिया एंड only the second in the world to feature animal overpasses to facilitate unrestricted movement of wildlife. तो कई सारे ऐसे स्ट्रेच होंगे जहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क से गुजर रहा होगा, तो वहाँ पे टनल बनाई जाएगी ताकि अनइंटरप्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करवाई जा सके. और जो आए दिन एक्सीडेंट के केसेस होते हैं कि कोई वाइल्ड एनिमल टकरा गया और उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस किया गया है. इट विल ऑल्सो इंक्लूड 2 आइकॉनिक 8-lane टनल्स, 1 टनलिंग थ्रू Mukundra Sanctuary, Rajasthan, and the second tunnel will pass through the Matheran eco-sensitive zone, Maharashtra. तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इसके फीचर्स है जो कि काफ़ी यूनिक रहेंगे. सिग्निफिकेंस क्या होगा? सो इट विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक हब्स लाइक जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट. It will result in annual fuel saving of more than 320 million liters and reduce CO2 emissions. So environment के हिसाब से भी this is a feasible project. The project has also created employment for thousands. तो जो भी मनरेगा के तहत जिनको भी jobs मिलना था वो इन लोगों को उसके तहत jobs provide करवाए जा रहे हैं. So very progressive and a boost to infrastructure basically जो कि government plan कर रही है और work is already under construction, work is already under progress. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एन एक्टिव वॉल्केनो, इरप्टेड वॉल्केनो, और वो स्पेन से ये न्यूज़ आ रही है दैट इज़ ला पालामा आइलैंड का जो एक वॉल्केनो है विच इज़ नेम्ड एज कुम्ब्रे वॉयजा, तो उसको वो इरप्ट हुआ है रिसेंटली. सो वी आर स्टडिंग अबाउट दैट. सो रिसेंटली द कुम्ब्रे वॉयजा वॉल्केनो इन ला पाल्मा आइलैंड, वन ऑफ द स्पेन्स कैनरी आइलैंड, इरप्टेड. सो आए दिन कोई ना कोई, जैसे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज है तो वो इरप्ट होते रहते हैं, तो दैट ऑल्सो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दैट रिसेंटली न्यूज़ द आइलैंड और द वोल्केनो बिलोंग्स टू विच कंट्री और क्या था वो, तो ये ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है. द कुम्ब्रे वॉयजा वॉल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 years. द लास्ट टाइम हॉट मॉल्टेन लावा इरप्टेड एंड स्प्रेड वॉज इन 1971. तो देखिए 50 सालों में पहली बार ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है. ला पाल्मा इज़ द मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्ली आइलैंड ऑफ द कैनरी आइलैंड, स्पेन. Its geography is a result of a volcanic formation and has an area of 708 square kilometers, making it the 5th largest of the 8 main Canary Islands. Its highest mountain is the Roque de los Muchachos on the 2,423 meters, being second among the peaks of the Canary, only to the peaks of the Teide Massif on Tenerife. The Canary Islands are a group of ocean island volcanoes located off the coast of Western Africa that have been formed by volcanic activity since around 20 million years ago. It comprises the Spanish provinces of the La Palamas and Santa Cruz de Tenerife. Okay, तो ये deep information आपको यहाँ पे दी गई है. You just need to remember the name of the volcano and the basic Canary Island location. अदर रिसेंटली इरप्टेड वॉल्केनोज कौन से हैं जो अलग अलग देश में इरप्ट हुए रिसेंटली? सो दैट इज़ किलुआ वॉल्केनो फ्रॉम हवाई, फुकुटोकू ओकानोबा वॉल्केनो फ्रॉम जापान, सांगे वॉल्केनो फ्रॉम इक्वाडोर, ताल वॉल्केनो फ्रॉम फिलीपींस. ऑल वी हैव कवर्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स. माउंट सिनाबंग, मेरापी वॉल्केनो, सोमेरू वॉल्केनो, इंडोनेशिया. सो माउंट सिनाबंग के बारे में क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, वी हैव ऑल्सो कवर्ड दिस फ्रॉम इंडोनेशिया. नाउ इंडिया में कौन से वॉल्केनोज़ है? सो बैरन आइलैंड, अंडमान आइलैंड, नारकोंडम, अंडमान आइलैंड. सो बेसिकली ज़्यादा जो वॉल्केनोज़ है वो अंडमान में है और इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है दैट इज़ बैरन आइलैंड. बारातंग अंडमान आइलैंड, डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र, धिनोदर हिल्स गुजरात एंड दोसी हिल्स हरियाणा. सो इंडिया में बाकी जो नीचे के आपको 5 जो वॉल्केनो नेम्स दिए हुए हैं और वॉल्केनो लोकेशन दिए हुए हैं, 2000 नॉन एक्टिव वॉल्केनोज जो काफ़ी सालों से इरप्ट नहीं हुए हैं. इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ बैरन आइलैंड. छोटे से न्यूज़ थे, इजीली आपको याद रह जाएगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस और वो है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति. So the third edition of maritime exercise Samudra Shakti between India and Indonesia will be conducted from 20th to 22nd September 2021 in the Sunda Strait. Now to all our online student, please make note कि जब भी आप कोई भी joint exercise के बारे में पढ़ोगे, what information you need to write down in your note that you are making and what information will be asked based on that in your upcoming examination. कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, UPSC, GPSC क्लास 1, 2, 3, जॉइंट एक्सरसाइज के रिलेटेड 2 और 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में श्योरली देखने को मिलेंगे। और पिछले 1-2 महीनों में देयर आर मल्टीपल जॉइंट एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज जो कि आपको याद रखनी है। तो पहले तो आप लिखोगे अपनी नोट में कि किस कंट्री के साथ हम ये जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पहला आपका हो गया कंट्री इंडिया एंड XYZ कंट्री का नाम वहाँ पे आएगा। अगर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है तो जितने भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेन कंट्रीज उनका आप वहाँ पे नाम लिख दीजिए। देन सेकेंड विल बी द टाइप, किस टाइप की ये जॉइंट एक्सरसाइज है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप, वेदर इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज, वेदर इट इज़ अ एयरफोर्स एक्सरसाइज और वेदर इट इज़ अ आर्मी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये आपको नोट डाउन करना है। थर्ड वन विल बी द लोकेशन, तो जो रिसेंट लेटेस्ट एक्सरसाइज का जो लोकेशन है दैट यू नीड टू फाइंड आउट। देन उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढनी है, वो हर साल में एक बार होती है या 2 साल में एक बार होती है या व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, एनुअल, बाई एनुअल एंड सो मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सारी एग्जामिनेशन की जो सारी एक्सरसाइजेस की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी एनुअल। बट जहाँ पे बाई एनुअल है वहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है और वहाँ पे आपको बाई एनुअल लिखना है। देन इंडिया की तरफ से किस शिप ने या कौन सी मिलिट्री बटालियन ने पार्टिसिपेट किया था दैट यू नीड टू फाइंड आउट। वो एक्सरसाइज कब से स्टार्ट हुई थी दैट यू नीड टू नोट डाउन, कौन से ईयर से स्पेसिफिकली स्टार्ट हुई थी वो आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी में जो अल्टीमेट गोल है उस एक्सरसाइज का वो आपको लिखना है। सो दीज आर सम बेसिक प्री रिक्विजिट जब आप किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ रहे हो। ओके चलिए, सो दी थर्ड एडिशन ऑफ, हाँ, और दी अदर थिंग इज कि रिसेंटली जो एक्सरसाइज हुई, लेट्स से यू आर गिविंग एन एग्जामिनेशन फॉर 2021, तो 2021 में किसी एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन था, जो लेटेस्ट एडिशन है 1, 2, 28, 21, 22 वो आपको लिखना है। ओके, सो थर्ड एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया will be conducted from 20th to 22nd September 2021 in the Sunda Strait। और Sunda Strait का आपको जो location है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ सुंडा जो कि इंडोनेशियन मेनलैंड के बिटवीन आपको दिखेगा। क्या है ये एक्सरसाइज? सो इन परस्यूएंस ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्सरसाइज समुद्र शक्ति वॉज कंसीव्ड इन 2018 एज अ बाइलेटरल इंडोनेशिया एक्सरसाइज। तो देखिए 2018 से ये स्टार्ट हुई और 2021 में उसका थर्ड एडिशन हुआ है। द एक्सरसाइज एम्स टू स्ट्रेंथन द बाइलेटरल रिलेशनशिप, एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी इन मैरीटाइम ऑपरेशंस बिटवीन द टू नेवीज़। तो जब भी बेसिकली सारी एक्सरसाइजेस का गोल यही होगा कि डिफेंस के थ्रू दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो बाइलेटरल रिलेशंस है उनको क्या किया जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। इंडिया का पार्टिसिपेशन क्या होगा, तो किसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से? द पार्टिसिपेटिंग इंडियन नेवी शिप्स शिवालिक एंड कडामट आर अमॉन्ग्स द लेटेस्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट एंड एंटी सबमरीन कॉर्वेट रिस्पेक्टिवली। इंडियन नेवीज एंटी सबमरीन वॉरफेयर केपेबल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम reconnaissance aircraft P8I is also participating in the exercise। तो ये सारा समुद्र शक्ति के related detail हो गया। Which other exercise we have been performing with Indonesia on a bilateral basis or multilateral basis? So that is first one is Garuda Shakti, that is a military exercise। Indo Corporate and Indo Bilat is maritime exercise and Garuda is a bilateral air exercise between India and France। So don't get confused between Garuda Shakti and Garuda। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ Garuda दिया है so that is air force exercise between France। अगर आपको Garuda Shakti दिया है then it is a military exercise with Indonesia। Okay, इसको रेड मार्क से अंडरलाइन करके आपके नोट में इसको आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट थी उसका 21 एडिशन हुआ जिसको होस्ट किया ताजिकिस्तान ने फ्रॉम इट्स कैपिटल दुशानबे। और क्योंकि कोविड-19 के चलते जो लॉजिस्टिक इश्यूज है, रेस्ट्रिक्शंस है, उसको लेकर 21st SCO समिट को ऑनलाइन किया गया इन अ वर्चुअल मोड। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल रिवाइज दैट व्हाट इज SCO। हमने आगे ऑलरेडी कवर किया हुआ है ये चीज, बट वी विल रिवाइज दैट व्हाट इज SCO। सो SCO इज बेसिकली अ रिप्लेसमेंट ऑफ शंघाई 5 कॉर्पोरेशन। शंघाई 5 बना था 1996 में और 2001 में 15 जून 2001 में बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया एंड पाकिस्तान इसमें जुड़े थे इन 2017। ओके, 2004 में इंडिया को ऑब्जर्वर बनाया गया था और 2004 से लेकर 2017 तक वी वर ऑब्जर्वर। और 2017 में इन कजाकिस्तान की समिट में हमें परमानेंट फुल टाइम मेंबर बनाया गया। तो 2017 से इंडिया एज अ फुल टाइम मेंबर SCO की समिट में पार्टिसिपेट करता है। बहुत बार, पिछली बार भी GPSC के क्लास 1-2 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सो द 21st समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट वाज हेल्ड रिसेंटली वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन दुशानबे, ताजिकिस्तान। At the meet, the focus was primarily on the ground situation in Afghanistan and its global repercussions. देखिए क्यों अफगानिस्तान के ऊपर इतना डिटेल्ड डिस्कशन किया गया। तो बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया से लेकर रशिया तक, ओके, ज्योग्राफिकल अगर आपको मैप पता है, सो इंडिया से लेकर रशिया तक जितने भी कंट्रीज है उनको कवर करता है। तो उसमें टोटल 8 मेंबर थे अब तक। 21st समिट में ईरान को परमानेंट मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। सो नाउ द परमानेंट मेंबर्स आर 9। ओके, सो कौन से है वो मेंबर, स्टार्टिंग विद इंडिया, देन पाकिस्तान, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 8 कंट्रीज हो गए। और उसके बाद ईरान को अभी रिसेंटली 9th फुल टाइम मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। तो बेसिकली इनके बीच का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए ये काम करता है, पीस के लिए काम करता है, पॉलिटिकल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ व्हाई अफगानिस्तान हैज बीन डिस्कस्ड, बिकॉज अफगानिस्तान is an observer nation in the SCO grouping. okay, observer क्या होता है कि जिनके जो फ्यूचर में जुड़ना चाहते हो तो, या जिनके रीजनल या इकोनॉमिकल जो गोल्स है, इंटरेस्ट है, वो सिमिलर हो गए, उन कंट्रीज़ को कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वर कंट्रीज़ बनाया जाएगा। तो एज ऑफ नाउ, ओके, till last month SCO had 4 observers including Iran, but now that Iran had been accepted as full time member, SCO has now 3 observer countries, that is Belarus, Afghanistan and Mongolia. चलिए इंडिया का क्या स्टैंड था। सो इट टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, urging the panel to come up with a joint approach and frame a code of conduct to stop terror financing and cross border terrorism. तो देखिए पाकिस्तान के सामने और चाइना के सामने इंडिया ने बड़ा strongly cross border terrorism का जो point था वो उठाया था। It also stressed upon the importance of moderate Islam in Central Asia. तो जो extremism है इस्लाम के अंदर उसको कम करने की बात भी यहाँ पे की गई। Flagged concerns over the serious humanitarian crisis unfolding in Afghanistan. Nothing that the economic woes of the Afghan people are increasing due to the blockage in financial and trade flows. तो अफगानिस्तान में आफ्टर द तालिबान टेक ओवर देर आर मल्टीपल इकोनॉमिकल एंड ट्रेड इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज, उनको यहाँ पे इंडिया ने एड्रेस करने की कोशिश की। पॉइंटेड आउट दैट द डेवलपमेंट्स इन द कंट्री कुड लीड टू एन अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ ड्रग्स, इलीगल वेपन्स एंड ह्यूमन trafficking. It is committed to increasing its connectivity with Central Asia, asserting that there should be respect for the territorial integrity of all countries. तो ये चीज़ चाइना को बताई गई कि आप जो अरुणाचल प्रदेश में या रिसेंटली उत्तराखंड में जो किया है वो यहाँ पर ना हो, और क्रॉस बॉर्डर बार्जिंग जो होता है उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसा इंडिया ने क्लियरली यहाँ पे बताया। ओके, सो दिस इज़ अगेन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज क्रिएटेड इन 2001। The SEO Charter was signed in 2002 and entered into force in 2003. It is a Eurasian political economic, Eurasian का मतलब है यूरोप का भी कंट्री है एंड एशिया के भी कंट्रीज है. सो इट इज़ अ यूरेशियन political, economic and military organization aiming to maintain peace, security and stability in the region. It is seen as counterweight to North Atlantic Treaty Organization NATO. It is a 9-member economic and security bloc and has emerged as one of the largest trans-regional international organization. Official language है Russian and Chinese. परमानेंट बॉडी है SEO सेक्रेटरीट एट बीजिंग, तो बीजिंग में उसका हेडक्वार्टर है, से परमानेंट सेक्रेटरीट है. और एक क्या चीज़ है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इन ताशकंद. तो रेट्स नाम की जो बॉडी है अंडर SEO, दैट इज़ अ परमानेंट बॉडी विच वर्क्स टुवर्ड्स दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज. चेयरमैनशिप किसके पास होगी, सो इट इज़ बाय रोटेशन फॉर अ ईयर बाय मेंबर स्टेट्स. तो इस बार उसका जो चेयरमैन था वो था दुशानबे ताजिकिस्तान एंड दैट्स वाई द समिट वाज वर्चुअली होस्टेड बाय ताजिकिस्तान. ओके, सिंपल सा एक टॉपिक था. और रिसेंटली SEO के जो कंट्रीज़ थे उन्होंने SEO पीसफुल मिशन नाम की एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है जिसको होस्ट किया था रशिया ने. जेनेसिस क्या है, सो प्रियर टू द क्रिएशन ऑफ SEO इन 2001, डेट इज़ 15 जून 2001 टू बी स्पेसिफिक, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान वर मेंबर्स ऑफ द शंघाई फाइव. शंघाई फाइव emerged from a series of border demarcation and demilitarization talks which the four former Soviet republics held with China to ensure stability along the borders. Following the accession of Uzbekistan to the organization in 2001, the Shanghai Five was renamed as SCO, that is Shanghai Cooperation Organization. India and Pakistan became members in 2017 and Iran is the 9th and the newest member of SEO. Iran was made an observer at the SEO in 2005 and has generally participated in the ministerial level meeting of the grouping which focus mainly on the security and economic cooperation in the Eurasian region. Understood? Okay. Let us go ahead. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर. सो ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द 30,600 करोड़ गारंटी टू बैक सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यूड बाय नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड फॉर अक्वायरिंग स्ट्रेस्ड लोन असेट्स. The NARCL is a part of a new bad bank structure that was announced in the budget 2021. क्या है ये न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर? सो फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूज NPAs, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप 2 न्यू एंटिटीज टू अक्वायर स्ट्रेस्ड असेट्स फ्रॉम बैंक्स एंड देन सेल देम इन द मार्केट. तो NPA का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने आज गाड़ी ली ऑन लोन, 2 या 4 महीने बाद अगर मैं वो लोन नहीं चुका पाता, उसके इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता, सो आई विल बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर दी बैंक. इस केस में बैंक जो पैसे है जो बैंक ने मुझे दिए हैं वो मेरी गाड़ी को बेचकर रिकवर करने की कोशिश करेगी एंड फॉर दैट ओनली द बैड बैंक स्ट्रक्चर हैज़ बीन क्रिएटेड. सो फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूज NPAs इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप 2 न्यू एंटिटीज़ टू अक्वायर स्ट्रेस्ड असेट्स फ्रॉम बैंक्स and then sell them in the market. NPA refers to a classification for loans or advances that are in default or in arrears. उसके लिए क्या बनाया गया है, तो पहला ऐसा जो एजेंसी बनाया गया है या ऐसा जो कंपनी बनाया गया है दैट इज़ NARCL. सो NARCL हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड हैज़ अप्लाइड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ लाइसेंस एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC. NARCL will acquire stressed asset worth about 2 lakh crore from various commercial banks in different phases. तो देखिए अलग अलग बैंक्स के पास ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ जितने जो असेट्स हैं वो बने हुए हैं. Public sector banks (PSBs) will maintain 51% of ownership in NARCL. IDRCL क्या है? So another entity, India Debt Resolution Company Limited, will then try to sell the stressed assets in the market. PSBs and the public financial institutes will hold a maximum of 49% stake in IDRCL. The remaining 51% stake will be with private sector lenders. The NARCL IDRCL structures is the new bad bank structure. Okay, तो ये दो जो agencies है वो वहाँ पे बनाई गई है just to recover the NPA debt, ताकि वो पैसा इकोनॉमी में आ सके और इकोनॉमी को बूस्ट मिले, और जो बैंक जो पैसा उनका अटका पड़ा है एरियर्स के तौर पर या डिफ़ॉल्टर के तौर पर वो पैसा बैंक्स को वापस मिलेगा. क्या नीड था फॉर NARCL एंड IDRCL स्ट्रक्चर? सो एग्जिस्टिंग ARCs हैव बीन हेल्पफुल इन द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स एस्पेशली फॉर स्मॉलर वैल्यू लोन्स. Various available resolution mechanisms including insolvency and bankruptcy code have proved to be useful. However, considering the large stock of legacy NPAs, additional options alternatives are needed and thus NARCL IRDCL structure was announced in the Union Budget 2021. हमने पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़े बड़े फ्रॉड देखे जो बैंक्स के साथ किए गए, which turned out to be NPAs, नॉन परफॉर्मिंग असेट. उनको रिकवर करने के लिए बेसिकली ये काम करेगा. The NARCL will first purchase bad loans from banks. तो पहले वो बैड लोन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा NARCL IDRCL को. It will pay 15% of the agreed price in cash and the remaining 85% will be in the form of security receipts. जब पैसा आएगा तब वो पैसा 85% दिया जाएगा. When the assets are sold with the help of IDRCL, the commercial banks will be paid back the रेस्ट. ओके, तो पहले 15% पैसा बैंक्स को बेच दिया जाएगा, बाकी का 85% जब वो असेट बिकेगा तब बेचा जाएगा और या तब वो पैसा बैंक्स को दिया जाएगा. इफ़ द बैड बैंक इज़ अनेबल टू सेल द बैड लोन, इट हैज़ टू सेल इट एट अ लॉस, देन द गवर्नमेंट गारंटी विल बी invoked. The difference between what the commercial bank was supposed to get and what the bad bank was able to raise will be paid from the 30,600 crore that has been provided by the government. तो जो difference होगा, जो loss होगा, वो government bear करेगी यहाँ पर. This guarantee is extended for a period of 5 years, और इस guarantee को 5 साल के लिए extend कर दिया गया है under the new rules जो frame हुए हैं उसके तहत. बैड बैंक क्या होगा? सो द बैड बैंक इज़ एन असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी और एन असेट management company that takes over the bad loans of commercial banks, manages them, and finally recovers their money over a period of time. The bad bank is not involved in lending and taking deposits, but helps the existing commercial banks to clean up their balance sheets and resolve bad loans. The takeover of bad loans is normally below the book value of the loan, and the bad bank tries to recover as much as possible subsequently. तो ये कोई नई बैंक नहीं आ रही है इंडिया में. Again understand this, it is just a helping agency for the existing commercial bank. Okay, हमारे commercial bank जो है जो loss को recover नहीं कर पा रहे या NPA जिनके पास काफ़ी बड़ा सा पड़ा हुआ है वो NPA अब कौन handover ले लेगा उसका? बैड बैंक विल टेक द हैंड ओवर, और बेटर मैनेजमेंट के लिए ये बैड बैंक्स बनाए गए हैं. इफेक्ट ऑफ बैड बैंक क्या होगा? सो कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव से कमर्शियल बैंक को ज़्यादा फ़ायदा है. क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल प्रोसीजर है वो हैंड ओवर कौन ले रहा है उसका टेक ओवर कर रहा है बैड बैंक. सो कमर्शियल बैंक्स आर सेटल्ड विद द हाई NPA लेवल्स. सेटिंग अप ऑफ द बैड बैंक विल हेल्प. That's because such a bank will get rid of all its toxic assets which were reducing its profits in one quick move. Okay, तो तुरंत सारे जो assets है वो कौन ले लेगा? Bad bank ले लेगा, और उसको बेचने का जो झंझट है वो भी bad bank के सिरे होगा. When the recovery money is paid back, it will further improve the bank's position. Meanwhile, it can start lending again. जो 15% जो वापस आएगा उससे वो again स्टार्ट कर देंगे लैंडिंग को करना। गवर्नमेंट एंड टैक्सपेयर पर्सपेक्टिव से क्या काम कर कैसे काम करेगा ये, सो वेदर इट इज़ रिकैपिटलाइजिंग PSBs laden with bad loans or giving guarantee for security receipts, the money is coming from the taxpayer's pocket. While recapitalization of such guarantees are often designated as reforms, they are banded at best. The only sustainable solution is to improve the lending operation is PSBs. So how the loans are given, उस system को अगर फुल प्रूफ बना दिया जाए तो अल्टीमेटली आपके NPAs के साथ डील करने का आपका जो काम है वो कम हो जाएगा। द प्लान ऑफ बेलिंग आउट कमर्शियल बैंक्स विल कोलैप्स इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल सच इम्पेयर्ड असेट्स इन द मार्केट, द बर्डन इंडीड विल फॉल अपॉन द टैक्सपेयर। तो यहाँ से जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 30,000 रुपये की जो रकम रखी है वो तो अल्टीमेटली जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनके पैसों से यहाँ पे उसको रिकवर किया जाएगा, विच इज़ अल्टीमेटली नॉट करेक्ट, बट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी सेटअप दिस, सो वी विल हैव टू सी हाउ दिस वर्क्स आउट। So this was your today's lecture. I hope you have understood all the topics. Please let us know in case of any query. Till that time, stay home, stay safe, stay happy.